Hello students, welcome to the class on editorial decode, and in this class I will be decoding the lead editorial. Now lead editorial is about India and United States of America's future relationship. Now this editorial is written in order to analyze how the relationship between India and the United States of America is going to unfold. Now before we understand what will be the outcome of Modi and Donald Trump's meet, it is important to analyze what is important for United States of America with respect to India. USA India ko kis tarah treat karta hai, and USA ke dimag mein India ke liye kya importance hai. So primarily we have to understand USA and India's relationship from the perspective of how important India is. Because generally, as far as India's diplomacy is concerned, it is less realistic and it is more idealistic. So, zyadatar jo hamari diplomacy hai, it falls in the domain of idealism. Hum hamesha ye sochte hain ki Hindustan har ek desh ke saath achhe relationship bana sakta hai, but this is not how diplomacy works. अगर हम ये समझना चाहते हैं कि यूएसए और इंडिया में क्या कॉम्प्लीमेंटैरिटीज हैं, हमें ये भी समझना पड़ेगा कि कॉम्प्लीमेंटैरिटीज कौन सी नहीं है, कौन सी चीजें ऐसी हैं जो इनकंपैटिबिलिटी सेट इन करती है इंडिया और यूएसए के रिलेशनशिप में. और उसको अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें अंडरस्टैंड ये करना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म में, अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए इंडिया और यूएसए के कैसे रिलेशनशिप रहेंगे लॉन्ग टर्म में. और अगर हमें लॉन्ग टर्म अंडरस्टैंड करना है तो हमें पास्ट जरूर अंडरस्टैंड करना पड़ेगा इंडिया और यूएस रिलेशनशिप का. नाउ व्हेन इट कम्स टू इंडिया, इंडिया इज एक्चुअली अ फ्रेंड ऑफ रशिया, एंड इट वाज अ फ्रेंड ऑफ रशिया इन द पास्ट, एंड रशिया हैड बीन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवर्सरी एक इंपॉर्टेंट दुश्मन रहा है रशिया और यूएसए आपस में. So this is one point that goes in the list of negative. This is the first negative that I'm talking about Russia. And secondly, if we analyze the past of America ke against ek aaj important threat hai, that is the threat of terrorism. And this important threat of terrorism is something that United States of America wants to do away with. और USA terrorism को तभी दूर कर सकता है अगर वो जितनी भी terrorism sanctuaries हैं उनको दूर कर दे. और terrorism sanctuaries operate कहाँ से हो रही है, वो operate हो रही है पाकिस्तान से. तो this is very important. तो पाकिस्तान से terrorism sanctuaries operate हो रही हैं. And United States of America और India का अगर हम past analyze करें, एक important चीज है इन दोनों के बीच में, दैट इज यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. इट हैड ऑलवेज फोकस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ हाइफनेशन. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ यू मस्ट बी यूजिंग दिस वर्ड व्हाइल यू विल बी राइटिंग योर इंडिया यूएस रिलेशनशिप. हाइफनेशन, नो हाइफनेशन पॉलिसी. नो व्हाट इज दिस हाइफनेशन पॉलिसी? United States of America और India के बीच में जो relationship है, it had always been guided through the prism of Pakistan. And India has never been able to present itself as a separate nation that could help United States of America in any way. क्योंकि मैंने आपको अभी बता के हटाऊं कि जो इंपॉर्टेंट थ्रेट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को, वो थ्रेट है फ्रॉम टेररिज्म. एंड इंडिया इसको कभी भी हेल्प नहीं किया यूएसए को इस थ्रेट को मीट अप करने के लिए. एंड व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान, पाकिस्तान हैज नॉट कंप्लीटली बट टू सम एक्सटेंट इट हैज ऑलवेज हेल्प्ड पाकिस्तान, इट हैज ऑलवेज हेल्प्ड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका टू मीट अप दिस चैलेंज ऑफ टेररिज्म. So, इंडिया अपने आप को एज ए इंडिविजुअल नेशन कभी प्रेजेंट नहीं कर पाया यूएसए को कि वो उसकी किसी चीज में मदद करेगा.
अगर इंडिया मदद कर सकता है दैट इज विद रिस्पेक्ट टू चाइना एंड विद रिस्पेक्ट टू चाइना वी विल बी डिस्कसिंग इन द लेटर पार्ट ऑफ द लेक्चर. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज दिस हाइफनेशन. नाउ हाइफनेशन मींस इंडिया एंड पाकिस्तान को एक ब्रैकेट में ट्रीट करता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. नाउ दिस इज द ब्रैकेट, दिस इज हाइफन इंडिया. इट हैज ऑलवेज बीन लाइक USA India Pakistan relationship. It has always been like India and Pakistan, they have been bracketed as one nation because it was India's failure to dehyphenate this thing. So India's intention has always been to dehyphenate. Dehyphenation. India has always projected itself as a separate entity in comparison to Pakistan. India had always wanted ki Hindustan ko ek alag treat kiya jaye. Hindustan bahut kuch USA ko offer kar sakta hai. Dekho, when it comes to USA, Hindustan ko bahut kuch USA se lena in terms of technology, in terms of economic help, in terms of defense help, in terms of strategic help. बट जो कॉम्प्लीमेंटैरिटी इंडिया और यूएसए के बीच में, इंडिया के पास बहुत कुछ नहीं है यूएसए को ऑफर करने के लिए. एक तो हमारे पास टेररिज्म को फाइट करने के लिए कुछ नहीं है, पर यूएसए का सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ही ये है. एंड देन व्हेन इट कम्स टू चाइना, नाउ चाइना इज बिकमिंग अ सेकेंडरी थ्रेट फॉर यूएसए, क्योंकि चाइना इज नॉट अ मिलिटरी थ्रेट बेसिकली टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. इट्स एन इकोनॉमिक थ्रेट टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. बट यूएसए की ये अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से, अगर चाइना का एग्जिट करा देंगे आज की स्टेट में ग्लोबलाइजेशन लैंडस्केप से, तो उस सिनारियो में जो भी इकोनॉमिक आउटपुट दुनिया में यील्ड हो रहा है वो एक्चुअली डिक्लाइन हो जाएगा. तो चाइना इज अ सेकेंडरी इकोनॉमिक थ्रेट टू यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. दो, चाइना इज इंडल्जिंग इन करेंसी वॉर्स. करेंसी वॉर्स में इंडल्ज होता है चाइना, बट स्टिल इट इज अ सेकेंडरी थ्रेट टू चाइना. इट इज नॉट अ प्राइमरी थ्रेट टू चाइना. जो प्राइमरी मिलिट्री थ्रेट है यूएसए का, इट वॉज रशिया एंड इट इज स्टिल रशिया, बिकॉज समवेयर दो देर हैज बीन मेल्टिंग इन द आइडियोलॉजीज ऑफ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, बट आज की डेट में रशिया इज स्टिल होल्डिंग दैट आइडियोलॉजी ऑफ कम्युनिज्म. चाइना इज एक्चुअली मेल्टेड दैट आइडियोलॉजी. तो चाइना का वो आइडियोलॉजी मेल्ट हो गया. चाइना इज एक्चुअली मोर कैपिटलिस्ट इन कंपेरिजन टू इवन अमेरिका. बट अगर रशिया का देखें, रशिया आज की डेट में उतना कैपिटलिस्ट नहीं रहे, उतना कैपिटलिज्म अडॉप्ट नहीं किया रशिया ने आज की डेट में भी. रशिया कहीं ना कहीं आज भी कम्युनिस्ट कंट्री है. रशिया कहीं ना कहीं आज भी उस चीज को सपोर्ट कर रहा है. एंड सेकेंडली विद द कमिंग इन ऑफ द डोनाल्ड ट्रंप, देखो डिप्लोमेसी कंडक्ट कैसे होती है ग्लोबल स्फीयर पे. आपकी डिप्लोमेसी तभी कंडक्ट होती है जब आपके इंटरेस्ट डिफाइन रहते हैं. क्या डिफाइंड रहते हैं आपके इंटरेस्ट. अगर आपके इंटरेस्ट डिफाइंड नहीं है तो आप किस तरह अपनी डिप्लोमेसी को कंडक्ट करोगे, उसको प्रेडिक्शन बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है. सो व्हेन इट कम्स टू इंडिया एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिकाज रिलेशनशिप, वी हैव सम इरिटेंट्स, बहुत ज्यादा इरिटेंट्स एंड कॉम्प्लीमेंटैरिटीज इतनी स्ट्रांग नहीं है. और नए तरह के जो इरिटेंट्स इमर्ज हो रहे हैं लाइक इन द डोमेन ऑफ इकॉनमी, नाउ दिस इज अनदर इरिटेंट दैट इज इमर्जिंग. Now in the domain of economy, we have the irritant with respect to the IT sector. Now it is the IT workers of India that are eating up the jobs in the United States of America. And this is something that the United States of America is not very comfortable with. So the future is uncertain. The future is very fluidic because the United States of America's interests are not very solid. They are not very definite because the Donald Trump actually is not adopting the stance. But there is one positive thing. One positive thing with respect to the terrorism in Afghanistan. United States of America is shifting its stance from soft to hard. Now what is this, the transition from soft to hard? The soft means earlier it was adopting the policy of PAK. Afghanistan-Pakistan policy. Whereby it was using Pakistan in order to tame the terrorism in Afghanistan. But Donald Trump is not ready to adopt this stance of soft policy, soft diplomacy. It wants to adopt this stance of hard. Means military ko use karke, intelligence ko use karke, wo terrorism ko khatam karna chahta hai, rather than availing the help of Pakistan.
Pakistan. So this is one positive. So this can actually reduce this hyphenation. It can actually melt this hyphenation between India and Pakistan. Now, this was all for the editorial decode. You can subscribe to this channel. The name of the channel is BrainyIAS. You can contact me at 845-940-000 in case you're interested in joining the test series in Chandigarh and in Delhi. And you, if you want to buy the video classes, again, you can contact at the same number and you can get the classes in the form of DVDs and pen drive. And you can also get these classes in Delhi and Chandigarh. And you can also buy them online. So this was all for the day. Bye bye. Take care. Have a nice day. And don't forget to download our IAS Buzz Android and iOS application. Bye bye. Take care. Have a nice day.